हाय फ्रेंड, वेलकम टू खान रिएक्ट्स। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं दिल तो पागल है मूवी एसआर के किंग की, और इसका पार्ट नंबर 12 होने वाला है। जी बिल्कुल गाइस, जिसके हमने 11 पार्ट देख रखे हैं। अगर आप पिछले पार्ट नहीं देखे तो यार क्या कर रहे हो, जाए देखिए। अगर देख लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। साथ से साथ साथ देख रहे हैं आप, इसका बहुत बहुत थैंक्स। अगर नहीं देख रखे तो इस चैनल पर और भी पार्ट इस मूवी के अवेलेबल है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मूवी है, हमें देखने में बहुत मजा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से पार्ट नंबर 12 को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। इन्हें बिगाड़ के रखा है, साल भर बिल्कुल ठीक रहती है, तू आती है कि बस इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। कभी कभी बिगाड़ना भी चाहिए होता है। तुम्हारे साथ ही राहुल है, तुम्हारे साथ गए गए, तुम क्यों डर रहे हो? हैप्पी बर्थडे। ये क्या करता है? कुछ नहीं, आपके पैर छू रहा था। मैं क्या इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ इज्जत के लिए। हाथ दे अपना। जी हाथ दे अपना। नाइस टू मीट यू। अरे तुम्हें तो ठंड लग गई है, चलो मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ पहनने के लिए। प्लीज ये कुत्तों से बचाओ मुझे। अरे कुछ नहीं करते, वो जानती बहुत डेंजरस कुत्ते हैं। ये ताई तुम्हारी डांस ट्रेनर है कि डॉग ट्रेनर है? ये कौन है? पता नहीं, लेकिन अब पता करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा। पूजा, तूने मुझे बताया नहीं कि राहुल करता क्या है? राहुल? हुँ? राहुल प्लेस डायरेक्ट करता है, आजकल मैं उसी के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि ये राहुल तुझे कुछ खास पसंद नहीं है, है ना? नहीं तो? पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? नहीं नहीं, नहीं। मेरा मतलब है वो मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त है, इसका मतलब है तू उससे प्यार व्यार नहीं करती? नहीं ताई, तुम भी। राहुल सिर्फ मेरा दोस्त है। ताई बड़े चला हो गए, मैं कह रहा हूँ बात निकलवाने का तरीका देखो। ऐसे नहीं, बहुत तेज है दोस्त। अच्छा अच्छा, एक प्यार ऐसा दोस्त। ताई जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रही हूँ। स्टॉप इट ताई, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा एक राहुल, राहुल क्या हुआ? हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जब जा लेकर क्यों खड़ी हो, आ जाओ हमारे साथ खेल ले। Hey everybody, okay, come on everyone. अगर ये प्यार नहीं तो और क्या है? ताई आप भी कुछ। ए लड़की इधर देख, इधर। जब तू 12 साल की थी ना, तब से जानती हूँ तुझे। ये जो तेरा दिल है ना, जो बातें तुझे नहीं बताता मुझे बता दिया करता है। अरे तेरी आंखों में साफ दिखाई देता है कि तू इस लड़के से बहुत प्यार करती है, तो फिर खुद से और मुझसे झूठ बोलना बंद कर, समझी? प्यारा सा दोस्त। अरे ताई सुनो तो, याद कुछ आता नहीं, ये हुआ कब से, हो गया मुश्किल छुपाना राज ये सब से, तो बजे वापस कब आ रहा है? कुछ पक्का नहीं है,
कभी भी आ सकता है। मैं एक मिनट में आती हूँ। Let's start all over again. Say D. लगता है राहुल पे जो है ना अब पूजा दोनों फिदा हुई बैठी हैं। हाँ। ताई ऐसे ताई और पूजा 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 अपना हाथ आगे कर। क्यों ताई? मारूंगी नहीं मैं, हाथ आगे कर। ये लो, ये ले, ये क्या है? चुप। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। बचपन से तेरी आदत रही है पूजा, तू हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचती है फिर अपने बारे में, और हर बार तेरी यही आदत मेरे दिल को छू जाती है। मगर आज तेरी इसी आदत ने मेरे दिल को बहुत दुखाया है। लेकिन मैंने चुप कहा ना, कभी कभी अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है पूजा। मैं देख रही हूं तुम किस तरह अपने सपनों से भाग रही हो, उन्हें सच नहीं होने दे रही हो। ऐसा मत करो पूजा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने सच हो जाते हैं। ऐसा मत करो। एक बात कहूं, प्यार बहुत बार हो जाता है लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। जो कदम तुम खुद नहीं उठा। प्यार बहुत बार हो जाता है लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। मोहब्बत, और ऐसा मैंने सुन भी रखा है कि लोग कहते हैं कि ये जो प्यार होता है हमें वो नहीं, हमें मोहब्बत है। ये पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड्स हैं आई थिंक उर्दू के ही है ऐसे नहीं? हाँ। प्यार मोहब्बत शायद हिंदी के भी है, हिंदी और उर्दू के हैं दोनों। हाँ। मतलब लेकिन इनके जो मीनिंग निकलते हैं वो तो एक ही निकलते हैं। इन दोनों के मीनिंग एक ही निकलते हैं। ये चीज अलग, अगर किसी से सुनो ना तो वो कहते हैं कि इश्क और प्यार और मोहब्बत इनमें तो डिफरेंस है। इश्क तो अलग चीज है। हाँ, वो एक ही बार होता है इंसान को और किसी किसी के नसीब में होता है ना। इश्क तो एक अलग चीज है लेकिन वो तो मतलब थोड़ा उसको साइड पे रख लेंगे। हाँ। प्यार और मोहब्बत तो सेम चीज है ना। हाँ, ये तो दोनों सेम ही है। ये क्या चक्कर है, किसी को अगर कुछ मतलब डीपली कुछ चीजें पता हो तो वो कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली कि ये क्या मतलब इसमें क्या अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या चीज है। मतलब काफी लोगों से कहते सुना है मैंने कि वो कहते हैं मुझे प्यार नहीं हुआ, मुझे मोहब्बत हुई है। उसमें तुम्हारी मदद ये गणपति बप्पा करेगा। गणपति बप्पा ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। ऐसे नहीं, तुम्हें अपने सपनों को सच करने की शक्ति देगा। इसे हमेशा अपने पास रखना, मुझे इस पे पूरा विश्वास है। सब ठीक कर देगा ये। अलविदा। बस चल अभी, मुझे रोने वोने की आदत नहीं है। पूजा डरता क्यों है जी? प्यार करता है तो डरता क्यों है, बोल दे। प्यार और मैं तो ऐसे ही उसको। अच्छा चल अपना हाथ दे। हाथ दे अपना। ओह नाइस टू मीट यू। ये ले ताई, ये आशीर्वाद है मेरा। वैसे मैं इस मामले में बहुत कंजूस हूँ, इतनी आसानी से अपना आशीर्वाद किसी को नहीं देती, पर तुझे देखकर ऐसा लगा कि शायद तुझे इसकी जरूरत है। ये तुझसे वो बात कहलवा देगा जो तू नहीं कह पा रहा, इसे संभाल के रखना। समझ गया ना जी? पूजा आ रही है, अगर तू नहीं बोल सकता तो मैं बोल दूं? अरे नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा। पक्का? पक्का। एकदम। ताई बड़ी अच्छी ताई। मेरी बात याद रखना।
Okay, here's to Sony and Jimmy. Everyone together. Cheers to the most beautiful couple that I've seen. And now I'm gonna give a speech. Excuse me, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Auntie, please. Thank you. Jimmy ka best man hone ke nate, aaj ye meri khushnaseebi hai ki is mauke par main kuch kahun. Aur aap logon ki badnaseebi hai कि जो कुछ मैं कहूं आप सुने. मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि किस तरह दो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने का वादा कर लेते हैं. मुझे इस शादी के बंधन में कभी विश्वास ही नहीं हुआ, और जब भी मैं जिमी और सोनी को एक साथ देखता मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो जाता, क्योंकि सोनी जैसी भोली कोई हो नहीं सकती और जिमी जैसा बदमाश कोई है नहीं. एक्चुअली मैं हमेशा सोचता था कि ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं तो एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी कैसे रह पाएंगे. लेकिन आज इनको यहां पर देखकर मुझे पता चला कि मैं कितना गलत सोचता था. एक्चुअली तो मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मोहब्बत पर विश्वास होने लगा है. वो मोहब्बत जो होठों से कुछ नहीं कहती लेकिन आंखें सब कुछ कहती. वो मोहब्बत जो दो इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए एक करती थी. और आज मुझे बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है. एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मुझे मेरे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त ने सुनाई थी, उस ऊपर वाले दोस्त के बारे में, कि उसने सारे दिलों के रिश्तों को पहले से ही जोड़ दिया है, बस उनका मिलना हम पर छोड़ दिया है. उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कहीं ना कहीं कोई एक जीवन साथी है. हर एक जिमी के लिए एक सोनी है. और आज मैं उस ऊपर वाले का, जिमी और सोनी को इस बंधन में बांधने का शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि हम सबको अपने अपने जीवन साथी को पहचानने की. जो स्टार्ट वाले सीन थे, ताई ने जिस तरह से मतलब बताया, पूजा ने मतलब बताया कि ये सीन है, क्योंकि ताई को शक हो रहा था कि पूजा के दिल में कुछ चल रहा है. और मतलब जिस तरह से उसने नोटिस करना शुरू किया तो ताई को दो मिनट में पता चल गया. और बात कैसे निकलवाई ना, बिल्कुल पसंद नहीं है ये. सही बात है, मतलब बेबड़ा चलाक था उनके का बातें करने का और बात निकलवाने का. बेबड़ा तगड़ा था, तगड़ा था. ऐसे फांस लिया बिचारी को और उसने सब कुछ बताया. खैर से अच्छा, तो मतलब उसने अजय के बारे में बताया कि वो आने वाला है और इस तरह से. हाँ, तो अजय के बारे में उसने बताया, ये नहीं बताया कि कब आने वाला है. हाँ, ये तो नहीं बताया, बस वो स्टोरी बताई कि मैंने उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी. हाँ, तभी वो कह रही थी कि अपनी खुशी का भी ख्याल रखा. अच्छा, ये बहुत होता है कि भाई इंसान को अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की ऐसे घुस जाता है. बंदा कहता है कोई नहीं, दूसरा खुशी हो जाए. सही बात है, इन मामलों में ना अपनी खुशी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है. तो सोच समझ के फैसला करना चाहिए. वैसे ये पूरी लाइफ जो है ना उसका फैसला होता है. तो अच्छा, ये एक जो एंड में जो लाइंस बोली ना इसने, क्या नाम है, एसआर के राहुल ने, वो बड़ी प्यारी लाइंस थी. और इस पे थोड़ा अंदर के ओवरऑल लोगों का तकरीबन सबका यही बिलीव होता है, लेकिन वो एक रियल पर्सन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो कोई सीन नहीं पता होता ना, है ना. सही बात है. और कुछ रियल केस ऐसे होते हैं जिनका मतलब फर्स्ट स्टार से उनका मतलब कॉम्बिनेशन बन जाता है और उनको मतलब
बट इस दुनिया में जो मोस्टली पीपल 90-80% यही है कि पहले मतलब जलील होते हैं, धक्के धोड़े खाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, हर किसी को मतलब उनके जो है ना टाइप का पर्सन नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं, ऐसा ही मतलब लाइफ में होता है। और मतलब मैं भी मोस्टली लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, तो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस यही कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका मतलब ये सीन जो है ना फास्ट उसमें चला जाता है, लेकिन सही पर्सन को पहचानने में काफी टाइम लग जाता है और सही पर्सन को मिलने में भी काफी टाइम लगता है। कोई लोग जो है ना वो जल्दबाजी में ना गलत पर्सन की सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उनको फिर आगे जाके बहुत सारे मसाइल देखने को मिल जाते हैं, डिवोर्स ये वो। बट ये हम अलग साइड पे चले गए, मूवी पे आते हैं। तो काफी बढ़िया जा रही है मूवी, और जिस तरह से राहुल ने इन पे मतलब बोला वो काफी प्यारा लग रहा था, और जो पूजा थी ऐसे स्टक हुई बैठी एकदम के मतलब ये क्या हो गया, राहुल क्या बोल रहे हैं, वो जो वो थी ना गणपति बापा की वो थी हाँ, उसने बोला कि आपको ये शक्ति देगी, लगता है उसने शक्ति देना शुरू कर दी है ऐसा ही लग रहा है। जो है ना काफी ब्यूटीफुल सा पार्ट था, देख के मजा आ गया। गाइस मेरा थोड़ा सा मतलब ये जुकाम और इस वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही थी, बीच में थोड़ा अटक रहा था, तो उस चीज के सॉरी, बट ये चीजें जो है ना वो लाइफ का हिस्सा होते हैं। आपको पता है कि एक तो वेदर बहुत अजीब है, समझ नहीं आ रही मतलब बंदा जाए तो जाए किधर। अच्छा इधर ना मैदानी इलाकों में इतनी सर्दी नहीं पड़ती ना, तो हमारे इस एरिया में इतनी सर्दी पहली दफा पड़ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सर्दी है। बचपन में जब छोटे थे तो सर्दी बहुत होती थी, लेकिन वो इस टाइप की नहीं होती थी, लेकिन अब जो है ना पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे लगता है 2023 सूरज साथ लेके चला गया, 5 दिन हो गए सूरज की शक्ल तक नहीं देखी हमने, एक बार निकला इतनी अंदाजा था और वो भी थोड़ा सा शक्ल दिखाई फिर गए, हम तो हमको सूरज देखना ही नसीब नहीं हो रहा, तो इस वजह से काफी जो है ना वो हालात खराब है, बेजुकाम गला खराब, सही बात है। तो मूवी का पार्ट नंबर 12 था, देख के मजा आया, काफी अच्छा लग रहा है ये मूवी देखकर। अगर आपने पिछले पार्ट मिस कर रखे हैं तो क्या कर रहे हैं यार, जाएं देखें, और भी मूवीज हमने अच्छी अच्छी रिएक्शन दे रखी है, वो भी जाके देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं आपसे इस मूवी के जो है ना पार्ट नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।